तो आज इस वीडियो में एक बहुत शानदार मतलब टिप्स आपको देने वाला हूँ, आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूँ दोस्तों। कार जो लोग चलाते हैं मतलब नए खास करके नए कार जो लोगों ने सीखा है और जिनको शायद फ्रंट जजमेंट की मतलब प्रॉब्लम हो, अगर लेफ्ट साइड जजमेंट का मतलब जो लोग नया गाड़ी सीखते हैं उन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है कार के फ्रंट साइड और कार के लेफ्ट साइड को जज करना थोड़ी मुश्किल होता है, और ख़ास करके ये मुश्किल अगर ट्रैफिक में हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे चैनल में पहले से एक कार के फ्रंट साइड जजमेंट के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं हमने, आप चाहे तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ट्रैफिक में ड्राइव कैसे किया जाए हेवी रेनी सीजन में। दोस्तों ट्रैफिक में ज़्यादातर मतलब नया ड्राइवर जो होते हैं उनको ड्राइविंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हेवी ट्रैफिक के साथ साथ अगर मतलब बहुत ज़ोर से बारिश भी हो तो वहाँ पर उन लोगों को और भी परेशानी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाहर के जो लोग जितने भी गाड़ी खड़े हैं यहाँ पर, देखिए जितने भी गाड़ी खड़े हैं यहाँ पर, तो मतलब उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी का कार के चलाने के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपका कार का जो बैकलाइट है मतलब जो एक अंधेरा होने से पहले एक थोड़ा सा एक लैंप दिया जाता है ना, जिसको पार्किंग लैंप भी कहा जाता है, उसको ऑन करके रखिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्योंकि बारिश के सीज़न में मतलब फ्रंट साइड में विंडशील्ड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर विंडशील्ड का स्टीम आप मतलब अंदर से फॉग जमने का भी चांसेस है। तो यहाँ पर फॉग के ऊपर भी एक पहले से वीडियो बना के रखे, आप उस वीडियो को भी देखना चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पार्किंग लैंप है उसको ऑन करके रखिए। उसको ऑन करके रखने का फ़ायदा क्या है मैं बता रहा हूँ। पीछे में जो कार है, जो लोग सोचिए पीछे में ऐसे भी कोई ड्राइवर होंगे, मतलब आप तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते पीछे ऐसा कोई ड्राइवर नहीं होगा जिसको कार चलाने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पीछे भी कोई बिगिनर्स हो, कार चला मतलब हाल फिल में सीखे हैं, सीख के अभी रोड पर उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैकलाइट मतलब पार्किंग लैंप जो जलाने का फ़ायदा है, वो आपको पार्किंग लैंप जो है उसके कार के अंदर को विंडशील्ड अगर मतलब फॉग से जम भी जाए, मतलब क्लियर ना भी दिखे बाहर, तो आपका लाइट जरूर दिखेगा उससे। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा यही है कि उसका कार आपके कार के पीछे का टकराने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। दूसरी मैं एक बात जो बताना चाहूँगा, ट्रैफिक में देखिए जैसे यहाँ पर स्टीम अप थोड़ा थोड़ा हो रहा है मेरा कार, तो मैं यहाँ पर भी उसी प्रोसीजर में एसी चला के ऊपर का जो विंडशील्ड है इसको मतलब ऑन करके थोड़ा फॉग को क्लीन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैफिक में और एक प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में कार को क्लच पर पैर दबा के मत बैठे रहिए, ठीक है। सोचिए यहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मतलब लग गई है, मतलब घटने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर कोई कोई क्या करता है डियर में डाल के ही कार को मतलब क्लच प्रेस करके रहते हैं, मतलब जब वो गाड़ी छुटेगी ऐसे तो वो गाड़ी को चलाएगा। तो ऐसे मत कीजिए, जब देख रहे हैं कि कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गई है तो यहाँ पर आपका गाड़ी जो है उसको न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल करने के बाद क्लच को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लच दबा के रखने से क्लच के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, क्लच प्लेट जलने का मतलब ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है, क्योंकि क्लच प्लेट दबाने से क्लच प्लेट जलता है। यहाँ पर देखिए एक बेवकूफ़ ड्राइवर मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो क्लच प्लेट गाड़ी को अगर न्यूट्रल करके रखेंगे तो क्लच मतलब आपका जो क्लच है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। जब आपका सोचिए ट्रैफिक धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहा है तब क्लच में पैर दबा के रखें, ठीक है, लेकिन सोचिए मतलब ट्रैफिक जो है वो 3-4 मिनट के लिए रुक गई है, तो वहाँ पर आपका जो क्लच है उसको हमेशा रिलीज़ करके मतलब अपना गियर जो है उसको न्यूट्रल में रखिए, और जब ट्रैफिक आगे की तरफ जाए तभी सिर्फ क्लच पेडल को दबा के जो गाड़ी है उसको सामने की तरफ गियर में डाल के ले जाइए। तीसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर हैवी रनिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका जो मतलब वाइपर है सामने का, तो वाइपर हमेशा चला के रखिए। वाइपर का मिनिमम स्पीड में रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, वाइपर का
तीन स्पीड होता है दोस्तों, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा होता है, एक मीडियम होता है और एक एकदम लो होता है। तो ये लो मोड में भी चल रहा है, तो वाइपर का स्पीड जो है उसको मतलब बारिश के तेज के अनुसार सेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से वाइपर चलाने का मतलब है आपका जो मतलब बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर लो स्पीड में ही मेरा चल रहा है, तो ठीक है मैं लो स्पीड में रख रहा हूँ, लेकिन सोचिए बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है तो उस टाइम पर अगर लो स्पीड में काम ना हुआ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीड में वाइपर को चलाना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा आपका, यहाँ पर बाहर में जैसे आप मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर में मतलब उतनी तरह से अच्छी तरह से ORBM दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर IRBM को फॉलो करना है, लेकिन पीछे में अगर आपका वाइपर है तो पीछे भी वाइपर चला दीजिए, ताकि आपका कोई कार वगैरह हो पीछे की विंडशील्ड से अपना IRBM जो है उसमें देख सके, ठीक है। सोचिए आपका पीछे में डिफ्रॉगर है, ठीक है, जैसे मेरा कार में कार के पीछे में डिफ्रॉगर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफ्रॉगर को चला दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए जो फॉग जो है वो धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। तो अगर आपके पास डिफ्रॉगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसे आपका डैशबोर्ड के ऊपर जो मतलब वेंट दिया रहता है उसको भी अगर मतलब चलाएंगे तो धीरे धीरे पीछे का जो फॉग है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एसी को चला के मैं समझो फ्रंट सीट विंडशील्ड है उसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, इस डैशबोर्ड के जो हवा निकलता है वो धीरे धीरे इस पोर्शन को भी मतलब जो फॉग लगा हुआ है यहाँ पर उसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो और एक बात कहना चाहूँगा, आपका जो मतलब गाड़ी है, ठीक है, सामने की तरफ, तो उससे डिस्टेंस जो है आपका फ्रंट साइड का, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल होल्डर से मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए बोनेट दिख रहा है, नहीं तो ड्राइवर सीट से बोनेट नहीं दिखेगा आपको। बारिश के टाइम पर सामने वाला जो कार है उससे आपका जो कार का फ्रंट साइड है उसका गैप नॉर्मल वेदर में जितना रखते हैं उससे ज़्यादा रखना है। अगर आप पूछेंगे तो ऐसा क्यों, तो बारिश के टाइम पर दोस्तों रोड का जो रोड के साथ टायर का जो फ्रिक्शन होता है उसका रेट डिक्रीज होने के कारण ब्रेक मतलब काम करने में नॉर्मल वेदर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम पीछे जा रहा है, सोचिए अचानक से सामने की गाड़ी जो है ब्रेक लगा दिया, तो आपने अगर ब्रेक प्रेस किया तो फ्रिक्शन रेट कम होने के कारण हो सकता है आपके ब्रेक की काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाए, जिसके कारण गाड़ी ना रोके और मतलब पीछे टक्कर हो जाए उस गाड़ी का। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है एक मतलब जितना नॉर्मल वेदर में डिस्टेंस रखते हैं उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।